डॉल्फिन के गश्त सेफ सिटी के कैमरों को बिगड़े रईस जादों का चैलेंज। कैनाल रोड पर मोटरसाइकिल सवार मंचलों की सरेआम हवाई फायरिंग। लाहौर न्यूज फायरिंग की वीडियो मंजरे आम पर ले आया। डीआईजी ऑपरेशंस का नोटिस, मुलजिम कौन और कहां गए, पुलिस सर पकड़कर बैठ गई। पुलिस का आवाम के साथ रवैया दुरुस्त नहीं, आईजी पंजाब ने एतराफ कर लिया। अमजद जावेद सलीमी कहते हैं पुलिस को महजब मुआशरे की फोर्स बनाने की जरूरत है। महकमे में तब्दीली लाने के लिए तमाम मुलाजमीन को दोबारा तरबियत करना होगी। आवाम से राबता का मरकज थाना है जिसमें काबिल अफराद की तैनाती जरूरी है। आईजी पंजाब का ओहदा संभालने से इंटरव्यू। वेरी अनफॉर्चुनेट सा इंसिडेंट है सानिया मॉडल टाउन। मतलब इसको अगर हम बहुत बारीक बीनी से देखें तो देखो चंद शहरी जो हैं वो एक ऐसे इंसिडेंट में मर गए हैं जो कि नहीं मरने चाहिए। मैं अगर कमांडिंग ऑफिसर होता तो वो शायद इस तरह मैं अपना फोर्स को अब्रप्टली अननेसेसरीली ना भेजता कि सोच समझ के सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। वो इस तरह अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। अमजद जावेद सलीमी अपने ही पेटी भाई पर फट पड़े, कहते हैं आईजी बाइख्तियार होता है। साने मॉडल टाउन मुश्ताक सुखेरा की नाहिली है। साने मॉडल टाउन के वक्त मैं आईजी होता तो नफरी ना भेजता। जब पुलिस अफसरान नाहिल हों तो महकमे में सियासी मुदाखलत होती है। डीपीओ पाकपतन की तब्दीली मिस हैंडलिंग का नतीजा है। मकामी पुलिस ने मामले को दुरुस्त तरीके से कंट्रोल नहीं किया। बैरून मुल्क से मुंशियात स्मगलिंग करने की कोशिश नाकाम। थाना सिविल लाइन पुलिस ने 2 करोड़ मालिक की हिरवन पकड़ ली। मुलजिम गिरफ्तार, वागा रेलवे स्टेशन से हिरवन बरामदगी केस में भी अहम पेशरफ सामने आई। एंटी नार्कोटिक्स फोर्स का रेलवे पुलिस को भी शामिल तफ्तीश करने का हुक्म। लैंड माफिया मंशा बम के गिर्द शिकंजा सख्त, 8 मजीद मुकदमा दर्ज। पुलिस का पीआईए कॉलोनी में मंशा बम के घर पर छापा। मुल्जिम के घर से जदीद असलहा, गैर मुल्की करेंसी, जेवरात और जमीनों के जाली दस्तावेजात बरामद। एसपी सदर माज जफर कहते हैं मंशा बम लोगों की जमीनों पर कब्जा करके सालाना 60 करोड़ रुपए भत्ता वसूल करता रहा। मंशा बम ने पूरा नेटवर्क बनाया हुआ था। दीगर अफराद को भी जल्द बेनकाब करेंगे। मुकामी चैनल पे प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि जब मैं रक्षे वालों के खिलाफ प्रेशर करता हूं इनलीगल या लीगल, वो बंदर की तरह दरख्त खंभे पे चढ़ जाते हैं। 24 घंटे का टाइम दिया है, 24 घंटे में सीटीओ साहब ने माफी ना मांगी, अल्फाज मीडिया के ऊपर आकर वापस ना लिए। 24 घंटे बाद सैकड़ों रक्षा ड्राइवर मोंकी राजा और डोंकी राजा के मास्क पहनकर सीटीओ के दफ्तर के बाहर खंभों पर चढ़ेंगे, छतों पर चढ़ेंगे। अगर किसी कारकुन को कोई हाथ लगाया तो शहरे लाहौर का पहिया जाम जाम कर दो। रिक्शा ड्राइवर्स को जानवर करार देने पर वामी रिक्शा यूनियन सरपा एहतजाज। सीटीओ के खिलाफ कलमा चौक में एहतजाजी मुजाहिरा, शदीद नारेबाजी। सीटीओ ने ड्राइवर्स को बंदरों से तशबीह दी, ऐसी तजहीक बर्दाश्त नहीं। सीटीओ ने माफी ना मांगी तो मोंकी राजा डोंकी राजा के मास्क पहनकर एहतजाज होगा। चेयरमैन रिक्शा यूनियन ने धमकी दे दी। बलदियाती नुमाइंदों की तरक्याती स्कीमें सियासत की नजर। मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन की 274 यूनियन काउंसिल्स की 1 अरब से जायद के तरक्याती स्कीमें रोक दी गईं। बलदियाती नुमाइंदे आवाम का सामना करने से कतराने लगे। मेयर लाहौर ने एहतजाज का इंदिया दे दिया, कहते हैं तरक्याती स्कीमों को मंजूरी के बजाय टेक्निकल एतराजात लगाकर वापस भेजा जा रहा है। हमारे साथ बांध कर आवामी खिदमत से रोकने की साजिश की जा रही है। अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज ने स्पीकर की बनाई गई तहकीकाती कमेटी को मुस्तरद कर दिया। कहा नून लीग का कोई रुकन जाली कमेटी में नहीं जाएगा। परवेज अल्लाही असेंबली में बाजारी जुबान इस्तेमाल करते हैं, जाली स्पीकर का डटकर मुकाबला करेंगे। हमें अदम एतमाद की कोई जल्दी नहीं, चाहते हैं लोग तब्दीली वालों का असल चेहरा देखें। सऊदी अरब में इमरान खान ने अपने दुखड़े सुनाए।
पंजाब असेंबली का बजट इजलास कल तक मुलतवी। ऑपोजिशन का चौथे रोज भी बायकॉट। ऐवान के अंदर हुकूमती इजलास, बाहर ऑपोजिशन की असेंबली। लीगी अरकान का असेंबली की सीढ़ियों पर दरियां बिछाकर एहतजाज, नारेबाजी। जिमनी इलेक्शन जीतने वाले 6 अरकान असेंबली ने हल्फ उठा लिया। पंजाब असेंबली में हंगामा आराई के लिए 12 रुकनी तहकीकती कमेटी का नोटिफिकेशन जारी। कमेटी में 10 हुकूमती अरकान और 2 नून लीग के अरकान असेंबली शामिल। परवेज इलाही का अपने दौरे हुकूमत के मंसूबे नामुकम्मल होने का नोटिस। मंसूबों में ताखीर और लागत बढ़ाने की तहकीकात के लिए कमेटी बना दी। सूबाई वज़ीरे इत्तला की हमजा शहबाज को कमेटी में आने की दावत। कहा, हमजा शहबाज दिन 11 बजे आया करें, धूप भी खाया करें। नून लीग पार्टी नहीं, बाप बेटे की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। एक तरफ एहतजाज तो दूसरी जानब 2500 रुपए के लिए हाजिरियाँ लगाना कहाँ की खलाकियात है। सूबाई वजीर चौधरी जहीरुद्दीन कहते हैं कि लीगी अराकीन के लिए असेंबली के दरवाजे खुले हैं, अपोजिशन के पास कुछ नहीं, ये सिर्फ नवाज ग्रुप का बायकॉट है। नून लीग ने बजट पर बहस की तैयारी ही नहीं की। पैरागॉन हाउसिंग स्कैंडल, खाजा बरादरान की हिफाजती जमानत में 14 नवंबर तक तौसी। हाई कोर्ट का नैब को खाजा साद रफीक और सलमान रफीक को गिरफ्तार ना करने का हुक्म। मेरा जमीर मुतमईन और हाथ साफ हैं। जब भी हुकूमत बदलती है तो मुझे जेल यात्रा करना पड़ती है। खाजा साद रफीक की पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगु, बोले, आशियाना हाउसिंग स्कीम से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। एहतसाब के नाम पर सियासतदानों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां नुकसानदेह होंगी। शहबाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत लाहौर हाई कोर्ट से मुस्तरद। नैब ने इंक्वायरी से पहले गिरफ्तारी करके आइन के खिलाफ वर्जी की दरख्वास्त में मौकफ। अदालत ने दरख्वास्त को नाकाबिले समाअत करार देकर मुस्तरद किया। लाहौर हाई कोर्ट ने 2 रुकनी बेंच ने फैसला महफूज सुनाया। तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन का 22वां रोज पाइन एवेन्यू में LDA का एक्शन। गैर कानूनी 6 इमारतें जुज्वी मिसमार। शालम मार्केट में भी कार्रवाई, भारी मशीनरी से पक्के थड़े और शेड मिसमार। दौरान ऑपरेशन कब्जा माफिया की जानिब से मुजाहमत का सामना। ताजरों का इंतजामिया पर बड़े प्लाजों पर हाथ ना डालने का इल्जाम। पंजाब हुकूमत का हॉर्स एंड कैटल शो दोबारा शुरू करने का ऐलान। यूसुफ सलाहुद्दीन की सरबराही में कल्चरल कमेटी के अराकीन की वज़ीर-ए-आला से मुलाकात। निकलसन रूट को नवाबजादा नसरुल्ला खान के नाम से मंसूब करने का भी ऐलान। वज़ीर-ए-आला पंजाब की ज़ेरे सदारत डेरा गाजी खान के अराकीन असेंबली का अजलास। वज़ीर-ए-आला कहते हैं कि महकमों को कारकर्दगी दिखाना होगी, हाथ पर हाथ रखने से काम नहीं चलेगा। कब्जा माफिया और तजावजात को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। सैयद अली बिन उस्मान अल हजवेरी अल मारूफ हजरत दाता गंजबख्श के उर्स मुबारक का 28 अक्टूबर से आगाज। वजीर आला पंजाब रस्म चादर पोशी से उर्स का इफ्तिताह करेंगे। दूध की सबील और लंगर का इंतजाम होगा। उर्स इंतजाम के लिए 1 करोड़ रुपए के फंड्स जारी। सूबाई वजीर औकाफ सईदुल हसन शाह की उर्स के इंतजाम से मुतालिक प्रेस कॉन्फ्रेंस। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट मोहम्मद इनवारुल हक का हाई कोर्ट बार का दौरा। हाई कोर्ट बार की कयादत ने चीफ जस्टिस और दीगर जजेस का इस्तकबाल किया। बार की जानिब से जजेस के एजाज में चाय का अहतमाम। सऊदी हुकूमत ने हाथ थामा तो मईशत में हुई बेहतरी। स्टॉक मार्केट में तेजी, डॉलर के मुकाबले में रुपया तकड़ा। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपए सस्ता, कीमत 132 हो गई। सोने की कीमत भी फी तोला 1500 कम हो गई। तीसरी पाक वाटर एंड एनर्जी नुमाइश का आगाज। तुर्की, थाईलैंड, स्पेन और चीन की 55 से ज्यादा कंपनियों की शिरकत। पानी को महफूज बनाने से मुतालिक शुरका को आगाही दी गई। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में बायो सेफ्टी वर्कशॉप का इनेकाद। PhD स्कॉलर्स की कसीर तादाद में शिरकत। तलबा को लैब में एहतियाती तदाबीर अपनाने के हवाले से आगाही दी गई। और
उमर अकमल के लिए बुरी खबर। मुबैना फिक्सिंग स्कैंडल में नाम आने पर पीसीबी ने तलब किया है। उमर अकमल को एंटी करप्शन यूनिट ने बुलाया। डोमेस्टिक क्रिकेट से फारिग होकर एंटी करप्शन यूनिट में पेश होंगे सीओओ सुभान अहमद।